एक बहुत ही दुखद समाचार हरियाणा के करनाल में, जहां पर हम आपको बताना चाहेंगे कि खेल खेल में एक 7 साल के बच्चे की जान चली जाती है। और जैसे ही परिवार के लोग ऊपर जाते हैं तो देखते हैं जो बच्चा खेल रहा था वो चुन्नी से लटका हुआ मिलता है। 7 साल का महज मासूम बच्चा जिसकी खेल खेल में जान चली गई। आप देख सकते हैं कि उसकी माँ जब उसको छत पर देखने गई तो देखा कि किस तरह से उसकी मौत हो गई है। और यहाँ पर करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज या सरकारी हॉस्पिटल में अभी उसको यहाँ पर लाया गया, जहाँ पर डॉक्टरों ने उनको बच्चे को मृत घोषित कर दिया। महज 7 साल बच्चे की उम्र है। एक बहुत ही दुखद समाचार हरियाणा के करनाल में। और इस तरह के जो हादसे हैं पहले भी कई बार पेश आ चुके हैं, जहाँ पर खेल खेल में बच्चों की जान चली जाती है। आज के समय में बच्चों को खेला ना छोड़ें, छत पर ना जाने दें। अगर आप कपड़े सूखने डालते हैं, कोई तारों पे अगर कपड़े सूख रहे होते हैं, उनका जरूर ध्यान रखें, क्योंकि खेल खेल में बच्चों की जान चली जाती है। इसका हमने विशेष तौर पर ध्यान देना है। उनके परिवार के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे भैया क्या कहना चाहेंगे। बहुत ही दुखद समाचार है। बच्चे का क्या नाम था और क्या उम्र थी? जयदेव नाम था बच्चे का। तो ऊपर खेल रहा था सर, खेलते खेलते ही पता नहीं क्या से क्या हुआ, तो मान ली नीचे थे अब सारे परिवार के सदस्य, तो ऊपर देखकर तो उसकी माता गई जाने के लिए बाथरूम गया था सर। वो पता नहीं बाथरूम गया कैसे गया, खेलते खेलते ही मान लो ऊपर चला गया, तो ऊपर कपड़े सूखे हुए थे, तो जैसे झूल रहा था क्या कर रहा था पर समझ में नहीं आया। तो मान लो जैसे उसकी मम्मी ने देखा ना तो उसने चीख मारी, तो मैं पता नहीं क्या बात होगी। तो हम जाके सारे जने देखे तो ऊपर देखा तो चुन्नी से लिपटा हुआ था सर। कौन सी क्लास में पढ़ता था सर? वो फर्स्ट में ही था सर। आप क्या लगते हैं? मैं उनका ताऊ जी। क्या नाम आपका? सोनू है सर। तो बहुत ही दुखद समाचार है, बहुत ही दुखद समाचार है हरियाणा के करनाल में, जहां पर खेल खेल में एक महज 7 साल के मासूम बच्चे की जो है मौत हो जाती है। जयदीप उसका नाम बताया जा रहा है, किस तरह से छत पर खेल रहा था, चुन्नी से जो है गला उसका फंस जाता है। वह काफी देर हाथ पांव मारता रहा। जो दूसरे उसके साथ जो छोटे बहन भाई थे वो सो रहे थे, जो दूसरे गली के जो बच्चे थे वो ऊपर नहीं थे, अकेला था, जिस कारण जो है एक बड़ा हादसा हो जाता है। और आप देख सकते हैं कि तमाम जो परिवार के लोग हैं, आसपास के लोग हैं, वो मौके पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि एक बहुत ही दुखद समाचार है, दुखद घड़ी है इस परिवार के लिए। और इस समय जो स्थानीय पार्षद हैं युद्धवीर मित्तु सैनी, वो भी मौके पर पहुंचे हैं। सर, इस तरह की घटनाएं पहले भी बहुत बार जो है सामने देखने को मिली, और खेल खेल में एक महज 7 साल के मासूम बच्चे की जो है जान चली जाती है। हाथ पांव मारता रहा होगा चुन्नी से जब उसका गला खींचता चला गया, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। लेकिन बाद में जब उसकी मां मौके पर पहुंची तो बहुत ही दुखद समाचार परिवार को देखने को मिला। क्या कुछ पूरा मामला है और क्या कुछ दूसरे पेरेंट्स से अपील करेंगे कि भगवान ना करे ऐसा हादसा किसी और के साथ हो? अभी मेरे को शाम को अभी पता चला था, अभी हमारे ना मेरे घर के पास में यहाँ लड्डो बगड़ी में एक जाटो गेट में एक बच्चा छत पे बाथरूम वाथरूम करने गया होगा, वो छत पे बाथरूम था तो वो खेलने लग गया, वो चुन्नी वगैरह लटक रही, तो खेल खेल में जैसे बच्चे झूले वगैरह खाते, वो बाई मिस्टेक उसका गला से उसमें आ गया, उस बोला नहीं गया आवाज़, मतलब उसके गला घुट गया उसका, वो वही मतलब हाथ पैर मारा उसका, किसी को पता नहीं चला। अभी बच्चा छत पे, माँ बाप ने सोचा बच्चा रोज़ खेलता छत पे, वैसे ही आज भी खेल रहा होगा, और जो भाई भी थे वो सोए पड़े थे, वो ऐसे खेल रहा था। और 10-15 मिनट बाद देखा, आवाज़ देखा भी बच्चे की कोई आवाज़ नहीं आ रही, ऊपर से उसकी माँ गई ऊपर देखा तो बच्चा लटका हुआ था। बहन भाई सो रहे थे उस समय? वो बहन भाई सोए हुए थे सारे। इसका क्या नाम है और कितनी उम्र है? जयदीप था जी, 7 साल का बच्चा था जी। तो यहाँ लेके आए तो डॉक्टर ने, तो यहाँ लेके आए तो डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया जी। हाँ, पुलिस की जानकारी थी, पुलिस अपना जो बयान लेके चली गई है, बस भगवान को मंजूर था जी। तो अपील करेंगे, हालांकि इस तरह के हादसे पहले भी कई बार देखे, और हमने पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें देखा था कि एक बच्चा जो है गेट, जो लोहे का गेट होता है, उसके पास लोहे की तार डाली हुई थी कपड़े सुखाने के लिए, वो बच्चा उससे जो है लटक रहा था, लेकिन वो तार बच्चे के गले में फंसी रही। सीसीटीवी में देखा कि 5-7 मिनट बच्चा जो है तड़पता रहा, उसकी बहन आई जब तक देखा लेकिन वो दम तोड़ चुका था। ऐसे बहुत से दुखद समाचार हैं, तो छोटे बच्चों को अकेला ना छोड़ा करें। बच्चों का ये मतलब बच्चों के माँ बाप से भी अपील है, अपने बच्चों को अकेला ना छोड़े, बच्चा कहाँ जा रहा है, छत पे घर में क्या कर रहा है, बच्चे को थोड़ा नजर रखे, क्योंकि बच्चे नादान होते हैं, जिनको पता होता नहीं क्या उनके साथ क्या अच्छा होगा क्या। इस बच्चे को थोड़ी पता था कि मैं अपनी जिंदगी खत्म कर लूंगा, वो तो बच्चा बस खेल खेल में झूला झूलने के चक्कर में चुन्नी थी जी, वो चुन्नी लटकी पड़ी थी, उसमें झूला सा करने लगा, वो उसमें लटक गया जी। बिल्कुल, बहुत ही दुखद समाचार। खेल खेल में जो है एक बच्चे की, 7 साल के बच्चे की मौत हो जाती है। आप देख सकते हैं कि जो तमाम परिवार के लोग हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं, और जो आस पड़ोस के जो लोग हैं, आपने देखा कि इस परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में खड़े हैं, क्योंकि जिस परिवार पे बीतती है पता उसी को होता है। लेकिन हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना रहेगी कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा, और छोटे बच्चों को अकेले छत पर ना जाने दीजिएगा, छोटे बच्चों को इस तरह की जगहों पर अकेले ना छोड़िएगा, क्योंकि इस तरह के जो हादसे हैं लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं पिछले दिनों एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा था, और आज आपकी तस्वीर देखी कि करनाल के इलाके में पुराने शहर के इलाके में 7 साल का मासूम बच्चा जयदीप, जो ऊपर जो है चुन्नी
चुन्नी लटकी हुई थी और उसमें झूला खा रहा था, लेकिन झूला खाते खाते ही उसके गले में जो है चुन्नी फंस जाती है। काफी देर हाथ पांव मारता रहा लेकिन उसकी जो है मौत हो जाती है, दम घुटने से मौत हो जाती है। और इस समय कल्पना चावला हॉस्पिटल की आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर इस बच्चे को लाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जो है उस बच्चे को मृत घोषित कर दिया। एक बहुत ही दुख की घड़ी है उस परिवार के लिए। हालांकि अब बच्चे को जो है करनाल के कल्पना चावला हॉस्पिटल में लाया गया है जहां पर इस बच्चे का, मासूम बच्चे का सुबह जो है पोस्टमार्टम कराया जाएगा, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया है। कानूनी प्रक्रिया क्योंकि जब नेचुरल डेथ के अलावा अगर किसी तरीके से डेथ होती है तो उसका पोस्टमार्टम कराया जाता है। पुलिस 174 की कार्रवाई करेगी और सुबह इनको जो शव है वो सुपुर्द कर देगी। लेकिन इस परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा। उनके ताऊ हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे जो बच्चा है वो अमूमन अब घर रह रहा होगा क्योंकि स्कूल की छुट्टियां हैं, स्कूल नहीं खुल रहे हैं, कहाँ पर पढ़ता था वैसे और क्या कुछ पता चला? स्कूल में नहीं जाता था सर, ट्यूशन ही बैठाते थे। मैडम है अभी 10 दिन हुए मान लो, एक मैडम आई थी जो ये स्कूल नहीं खुला जो खाली। तो आज क्या पता चला सर आपको? तो सर यही है, ये मान ले सो रहे थे सारे बच्चे जो थे इसके साथ के, ये अकेला ही था, बड़ा लड़का था ये घर का, ठीक है जी। तो मान लो ये जैसे ऊपर बाथरूम में गया या कैसे गया, ये मान लो खेलता खेलता ऊपर गया तो इसने ये चुन्नी लटकी हुई थी, तो चुन्नी के साथ झूल रहा था या क्या कर रहा था ये नहीं पता सर। हमने तो इसकी मान है जैसे देखा तो इसने किलगी मारी, तो मान ले मन ने सोचा तो क्या हुआ क्या नहीं, तो हम जैसे भाग के देख के गए तो ये चुन्नी से लिपटा हुआ था, झूल रहा होगा, ये लपेटे दिए हुए थे रस्सी में उसमें। तो बिल्कुल चुन्नी जिस तरह से वो झूलते झूलते जो है उसकी चुन्नी गले में फंस गई और उसको मौका नहीं मिला निकलने का। किस तरह से खेल खेल में एक 7 साल के मासूम बच्चे की, जयदीप की जो है मौत हो जाती है जब उसकी माँ ऊपर जाती है, क्योंकि बच्चे की आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। लेकिन जब माँ ऊपर गई तो माँ भी जो है बेहोशी की हालत में हो गई, उससे कुछ नहीं देखा गया, उसकी चीख निकली। तो उसके बाद जो अन्य परिवार के लोग हैं, आस पड़ोस के लोग हैं, वो मौके पर पहुंचे तो देखा बच्चा जो है बुरी तरह से उस चुन्नी में अकड़ा हुआ था, जकड़ा हुआ था और उसका सांस जो है पूरी तरह से घुट चुका था, जिस कारण जो है 7 साल के मासूम बच्चे की मौत हो जाती है। उस बच्चे के शव को जो है करनाल के कल्पना चावला हॉस्पिटल में लाया जाता है जहां पर डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। आप देख सकते हैं कि तमाम परिवार के लोग हो, आस पड़ोस के जो लोग हैं, कल्पना चावला के यहां पर जो दूसरे अन्य मरीजों के जो लोग हैं वो भी हैरान है कि एक बहुत ही दुखद समाचार इस परिवार के साथ होता है। भगवान ना करे इस तरह का हादसा किसी के साथ भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं इससे हमें एक लेसन लेने की जरूरत है, एक सबक सीखने की जरूरत है कि 6 से 7 साल के बच्चों को, 4 से 5 साल के बच्चों को, 2 से 3 साल के बच्चों को आपने अकेला नहीं छोड़ना है, क्योंकि कोई भी हादसा हो जाता है। क्योंकि पिछले दिनों इस तरह का हादसा देखने को मिला कि एक बच्चे ने कुछ निगल लिया जिस कारण उसका ऑपरेशन कराना पड़ा। इसलिए अगर आप छोटे बच्चों को अकेला छोड़ोगे तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी लापरवाही हो सकती है और इस कारण जो है एक बच्चे की जान चली गई है। मैं 7 साल का मासूम बच्चा जिसने अभी जिंदगी में कुछ देखा नहीं था, पहली कक्षा में पढ़ रहा था, लेकिन कोरोना के दौरान, लॉकडाउन के दौरान स्कूल बंद थे, ट्यूशन जाया करता था, घर पर पढ़ता था। लेकिन पहली कक्षा में पढ़ने वाला बच्चा आप देख सकते हैं कि 7 साल का छोटा सा बच्चा था जो छत पर जो है खेल रहा था और चुन्नी वहां पर लटकी हुई थी जिसमें अमूमन जो है वो पकड़कर झूले खा लेता था, लेकिन उसको नहीं पता था कि आज ये उसके आखिरी झूले होंगे, क्योंकि उसी चुन्नी में जो है लिपटकर उस 7 साल के मासूम बच्चे की, जयदीप की जो है एक बहुत ही दुखद मौत हो जाती है। जिसके बाद आप देख सकते हैं जो स्थानीय एमसी है वो भी मौके पर पहुंचे हैं। तो सर कैसे पता चला, कितने बजे का हादसा है और कहां पर ये परिवार रहता है? काफी गरीब परिवार है, इस परिवार के साथ बहुत दुखों का पहाड़ टूटा है। बहुत गरीब परिवार है जी, मतलब ताजा जैसे कमाते खाते, ज्यादा कुछ है नहीं घर में, छोटा सा मकान है, सारे भाई इकट्ठे मिलकर रहते हैं, जाटो गेट के अंदर है, लड्डो बगड़ी है जी, जाटो गेट के अंदर वहाँ का निवास है। मेरे को तो अभी जस्ट मैसेज आया, मैं जब भी वहाँ पहुँचा तो वहाँ पता चला भी कल्पना चावल लगा यहाँ। हम आए थे भी, रिक्वेस्ट करी थी इनको हॉस्पिटल में, डॉक्टर साहब को भी पोस्टमार्टम ना कराओ, बच्चा है छोटा सा, उसके शरीर में है ही नहीं कुछ, तो वो बोले भी पोस्टमार्टम तो हमें कराना पड़ेगा। आप अपनी जगह सही है, एक परिवार अपनी जगह सही है, लेकिन कानूनी कार्रवाई है, क्योंकि अगर कोई भी नेचुरल डेथ के अलावा अगर किसी भी तरीके से डेथ होती है तो उसकी कानूनी कार्रवाई होती है, एक पोस्टमार्टम होती है, प्रक्रिया होती है, उसी के तहत जो है बॉडी परिवार के अलग दी जाती है। तो पता कैसे चला कि कैसे हादसा हुआ ये जी? अभी मेरे वहाँ पड़ोस में सूचना आई थी, ऐसे ऐसे एक मिसहैपनिंग होगी मतलब आपके यहाँ लड्डू बगड़ी में, तो मैं जब भी मौके पर तुरंत गया तो पता चला भी उसको लेके कल्पना चावल आ गया। पहले लोकल आसपास का क्लिनिक था, वहाँ ले गए, उन्होंने यहाँ भेज दिया भी बच्चे में, एक बार शायद हम देख ले भी कल्पना चावल में कुछ, तो इन्होंने आते हुए मृत घोषित कर दिया। तो उन्होंने बाबा के पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए रख दी बॉडी। तो लोगों से अपील करेंगे कुछ? फिर लोगों से अपील है, रिक्वेस्ट है भी अपने बच्चों का ध्यान रखें। आजकल बच्चे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आपस में खेल में कोई मिसअपनिंग हो जाती है। तो लगता है कि चुन्नी लिपटी हुई थी, झूले झूल रहा होगा? नहीं, एक तार टाइप चुन्नी थी, वो तो बच्चा अपना आराम से, वो तो खेलने के लिए, उसको थोड़ी पता था कि मैं आज मेरे लास्ट होगा, मैं इस तरह से अपना जान दे लूंगा। वो बच्चे को क्या पता था जी, उस बच्चे में बस उसका कहीं गला गुला फंस गया और बच्चा उसमें रह गया।
तो बिल्कुल बहुत ही दुखद समाचार उस परिवार के लिए है। आप देख सकते हैं कि तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो परिजन यहाँ पर जो दूसरे पेशेंट्स आए हुए हैं उनके लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। ये लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं जो दूसरे लोग हैं। एक और आंटी जी यहाँ पर है। आंटी जी, एक बहुत ही परिवार आपने देखा कि बहुत ही दुख की घड़ी है उस परिवार के लिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बच्चों को ध्यान रखना चाहिए पेरेंट्स को, कि वे अकेला मत छोड़ दो उन बच्चों को। तो अब देखा कि किस तरह का बहुत हादसा हुआ। हाँ हाँ हाँ, हादसा बहुत बुरा हुआ है। ये बच्चों को ध्यान रखना चाहिए ना, अकेला छोड़ते हैं लोग बच्चों को, उनका ध्यान नहीं रखते, अपने मोबाइल में बिजी रहते हैं लेडीज ज़्यादातर, तो बच्चों को ख्याल रखना चाहिए। ये तो बहुत ही दुख की घड़ी है उस परिवार के लिए। आप देख सकते हैं कि 7 साल के मासूम बच्चे की मौत हो जाती है, और किस तरह से आपने देखा कि दुखों का पहाड़ जो है उस परिवार पर टूट पड़ा। परिवार को नहीं पता था कि बच्चा उनका जो छत पर खेल रहा है, इस तरह से जो है उसकी मौत हो जाएगी, इस तरह से दुखद मौत हो जाएगी। हमने आपको बताया कि जयदीप उस बच्चे का नाम है, जिसकी महज उम्र 7 साल है और पहली कक्षा में पढ़ता है। लेकिन एक बहुत ही दुखद समाचार हरियाणा के करनाल में, जहां पर पुराने शहर वाले इलाके में जो है ये बच्चा अपने परिवार के साथ रहता था। अमूमन जो है इसके छोटे बहन भाई थे, छोटे भाई थे, लेकिन वह जो है सो रहे थे, जिस कारण जो है ये बच्चा अकेला छत पर चला जाता है और एक रस्सी जो वहां पर बांधी हुई थी उसमें जो है झूलते हुए जो है उसकी गले जो है फंस जाता है, जिस कारण जो है उसकी मौत हो जाती है। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि दूसरे लोगों तक एक मैसेज पहुंचाया जा सके, दूसरे लोगों तक यह जानकारी पहुंचाई जा सके, ताकि भविष्य में इस तरह के हादसे कभी ना पेश आए, क्योंकि इस तरह के हादसे पहले भी कई बार पेश आ चुके हैं। मेरे सहयोगी हिमांशु नारंग यहां पर मौजूद है, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। हिमांशु, क्या कहना चाहेंगे? एक बहुत ही दुखद समाचार है, और अमूमन इस तरह की काफी वीडियोस देखी जाती हैं जब इस तरह के हादसे हो जाते हैं। पिछले दिनों भी एक सीसीटीवी वायरल हो रहा था, एक बच्चा खेल खेल में जो है एक तार में उलझ जाता है और उसकी भी मौत हो जाती है। क्या कुछ अपील करना चाहेंगे तमाम अभिभावकों से? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके के मामले सामने आते हैं उसमें समझने की बात पेरेंट्स को है कि आप अपने बच्चे को अकेला मत छोड़ें। ऐसे बहुत से मामले सामने आते हैं जब बच्चे लुगन छुपाई खेल रहे होते हैं, ट्रंक के अंदर छुप जाते हैं, बच्चा ढूंढता रहता है, बच्चा नहीं मिलता है, और जब 3 घंटे के अंदर अंदर बच्चा नहीं मिलता है तो पूरे घर के अंदर ढूंढा जाता है, और बाद में पता चलता है कि बच्चा ट्रंक के अंदर था और उसकी मौत हो जाती है। ऐसा ही एक मामला गुरुग्राम में सामने आया था, जहाँ पर गाड़ी के अंदर 2 बच्चे खेलते खेलते बंद हो जाते हैं। तकरीबन 5 घंटे के बाद पता चलता है कि दोनों बच्चे गाड़ी के अंदर हैं, और जब गाड़ी खोली जाती है, बच्चों को देखा जाता है, तो दोनों बच्चों की मौत हो जाती है। इस तरीके के हादसे बहुत देखने को मिलते हैं। कई बार वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाते हैं, कई बार वो सीसीटीवी कैमरे में कैद नहीं होते हैं, लेकिन जानकारी मिलती है कि ट्रंक के अंदर छुपने से या वहां पर पड़े रहने से मौत हो गई है, तार के अंदर फंसने से मौत हो गई है, या फिर चुन्नी के अंदर फंसने से मौत हो गई है। महज 7 साल का बच्चा, आप समझ सकते हैं अभी उसने अपना बचपन भी ठीक ढंग से नहीं जिया था। बहुत तमाम सपने होंगे उसके पेरेंट्स के, उसकी माँ के, उसके पिता के, उसके दादा के, उसकी दादी के, किस तरीके से वो अपने भाई बहनों के साथ खेलता होगा। पता चल रहा है कि उसके 2 छोटे भाई और हैं, एक 3 साल का है, एक 5 साल का है। 3 साल का भाई, 5 साल का भाई, 7 साल का भाई, तीनों भाई किस तरीके से खेलते होंगे, मिलजुल कर बच्चों के साथ खेलते होंगे जो पड़ोस में रहते हैं। लेकिन उसी दौरान एक हादसा हो जाता है कि बच्चा जब ऊपर जाता है, एक तार लटकी हुई थी तो तार पर चुन्नी लटकी हुई थी, वहाँ पर वो खेल रहा था, झूला झूल रहा था, और हंसते हंसते खेलते खेलते जब वो चुन्नी के अंदर फंस जाता है तो उसकी मौत हो जाती है। आप एक पेरेंट्स हैं, आप समझ सकते हैं कि कितना दुख होता होगा। तमाम पेरेंट्स को किस तरीके से एक अपील करना चाहेंगे तमाम पेरेंट्स से, क्योंकि ऐसे हादसे कई बार देखने को मिलते हैं। मैं जैसे कि रोज़ाना जो सेवा पर आती है हमारी टीम नीड ब्लेसिंग्स नॉट मनी, सो मेरे को पता चला कि एक बहुत ही दुखद समाचार हमारे सामने आई। जयदीप लड़का, 7 साल का लड़का जो खेलते खेलते चुन्नी में लटक गया, और इतनी दुखद समाचार। माँ बाप बच्चों के लिए तरसते हैं, और जब जिनके पास बच्चे आ जाते हैं और वो ये चीज़ें देखते लापरवाही कर जाते हैं, और वो लापरवाही करके आज बच्चा चुन्नी में लटक गया। और मैं एक माँ बाप से सबसे अपील करना चाहूँगा, एक अपनी टीम की तरफ से अपील करना चाहूँगा कि अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखा करो, क्योंकि कोविड समय चलते भी काफ़ी बच्चे ऐसे उलझ के या कहीं ट्रंक में बंद होकर बहुत सारे बच्चों की डेथ हुई है। जब लुकन छुपाई खेलते हैं तो छिप जाते हैं, छिपने के लिए
वो ट्रंक का इस्तेमाल कर लेते हैं, बेड के अंदर छिप जाते हैं, वीडियो भी बहुत सारे सामने आते हैं, और उसके बाद पता चलता है कि 3 घंटे तक बच्चा नहीं मिला और बच्चे की मौत हो जाती है। एक पहले भी केस आया था जब हमने देखा था कि एक टैंकी में बच्चा छुप गया था, वो सिर्फ एक लापरवाही करके हुआ था, कहीं ना कहीं एक साजिश भी कह सके। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आपस में एक दूसरे को कह देते हैं हम यहाँ छुपते हैं, यहाँ छुपते हैं, कहीं ना कहीं वो भी एक लापरवाही है, माँ बाप की भी लापरवाही है कि वो बच्चों को अनदेखा कर देते हैं, दम घुटने से काफ़ी मौत, दम घुटने करके मौत हो जाती है। माँ बाप इस टाइम वर्किंग है सो बच्चे को टाइम नहीं दे पाते, सो मैं एक अपील करना चाहूँगा कि अगर कोई दोनों ही वर्किंग है सो अपने बच्चों के साथ कोई ग्रैंड पेरेंट होना बहुत जरूरी है। के बारे में क्या पता चला आपको? मेरे को जैसे कि आप करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से मेरे को पता चला कि जयदीप लड़का जो पुराने शहर से था, वो 7 साल का लड़का चुन्नी में लटक कर उसकी मौत हो जाती है, और मैं अपनी टीम के साथ यहाँ पहुंचा। सो बहुत ही दुखद समाचार है, करनाल का छोटा सा एक यूथ कह सकते हो, आने वाले टाइम का यूथ था जो आज हमारे बीच में छोड़ के चला गया। करनाल के जाटो गेट का लड़का महज 7 साल का था, पहली कक्षा में पढ़ता था, अभी ठीक ढंग से वो ज्यादा सोच भी नहीं पाता होगा, अपने बचपन को उसने जीना शुरू किया होगा, उसको सीख रहा होगा कि किस तरीके से बचपन को जिया जाए, आगे बढ़ा जाए, अपने दोस्तों के साथ खेला जाए, अपने भाई के साथ मिलजुल कर रहा जाए, अपने पेरेंट्स की उम्मीदों पर खरा उतरा जाए, पेरेंट्स के साथ किस तरीके से मिलजुल कर रहा जाए, अपने परिवार के अंदर, भाइयों के अंदर वो सबसे बड़ा था, 7 साल का था। लेकिन आप समझ सकते हैं एक दुख भरा हादसा परिवार पर क्या बीत रही होगी, उसके दादा दादी पर क्या बीत रही होगी, उसके मम्मी पापा पर क्या बीत रही होगी, क्योंकि 7 साल का बच्चा जिसने अभी महज स्कूल जाना शुरू किया था 2-3 साल पहले, लगातार पढ़ाई कर रहा था और लड़ाई जो है अपने बच्चों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ लड़ता भी होगा, झगड़ता भी होगा, मासूम जो था तो फिर अच्छी अच्छी बातें भी करता होगा, लेकिन आज हादसा हो जाता है। तकरीबन दोपहर के 3:30 बजे जब वो छत पर है, एक तार पर चुन्नी जो है लटकी हुई थी, उसी चुन्नी के अंदर उसका गला फंस जाता है, क्योंकि चुन्नी के अंदर वो खेल रहा था, झूले झूल रहा था, और पता नहीं चलता कब उसकी मौत हो जाती है, क्योंकि तड़पा होगा जब वो उस चुन्नी के अंदर लिपटा होगा तो खुद से तड़पा होगा कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, अपनी मम्मी को आवाज लगाई होगी, अपने पापा को आवाज लगाई होगी, लेकिन मम्मी पापा नीचे थे, पता नहीं चल पाया, और उसी दौरान उस बच्चे ने दम तोड़ दिया। जब कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल में उसे बच्चे को जयदीप को लेकर आया जाता है तो फिर उसे डॉक्टरों की तरफ से मृत घोषित कर दिया जाता है। आप परिवार वालों से अपील है, हाथ जोड़कर अपील है कि अपने बच्चों का ध्यान रखें। एक बड़ी बात उन्होंने कही कि अगर आप वर्किंग है, यानी कि माता वर्किंग है, पिता वर्किंग है, परिवार के अंदर कोई बड़ा नहीं है जो बच्चे को संभाल सकता है, तो अपने बच्चों को वक्त देना सीखिए, क्योंकि बच्चों को अगर आप वक्त देंगे तो वो अकेला फील नहीं करेंगे। कई बार देखा जाता है कि बच्चे खेलने के लिए गली में चले जाते हैं और उसके बाद खेलते खेलते, क्योंकि गाँव के अंदर भी एक ऐसे हादसे देखने को मिले हैं जब बच्चे खेल रहे होते हैं, पास में तालाब होता है, तालाब में जाकर वो गिर जाते हैं और गिरने के बाद उनकी मौत हो जाती है, पता नहीं चलता है कि वो कहां पर गए हुए हैं, कैसे गए हुए हैं। इस तरीके के हादसे करनाल सहित अलग अलग शहरों में देखने को मिलते हैं, अलग अलग राज्यों में देखने को मिलते हैं, कईयों के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आते हैं जब तार के अंदर बच्चे लटक जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। ऐसा ही हादसा आज करनाल के जाटो गेट में हुआ, महज 7 साल का बच्चा पहली कक्षा में पढ़ता था, अभी ठीक ढंग से उसने जीना भी नहीं सीखा था, अपने बचपन को वो जी रहा था। आप समझ सकते हैं 7 साल के बचपन के अंदर उसने कितनी उम्मीदें पाली होंगी उसके पेरेंट्स ने कि बच्चे को बड़ा करके क्या बनाएंगे, पायलट बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, लेकिन वो सपने एकदम से चकनाचूर हो जाते हैं, क्योंकि 7 साल का बच्चा आज उसकी मौत हो जाती है, जो चुन्नी थी उसके अंदर वो लिपट जाता है और उसकी मौत हो जाती है। परिवार वालों से अपील है कि अपने बच्चों का ध्यान रखें, बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कमल, क्योंकि सभी के परिवार के अंदर छोटे छोटे बच्चे होते हैं और इस तरीके के हादसा होने के बाद परिवार पर क्या गुजरती है वो वही जानता है जिसके परिवार पर ये बीती है। हिमांशु, सबसे बड़ी बात है कि इस तरह के दुखद हादसे बहुत होते हैं, इस तरह के दुखद हादसे में याद है कोरोना लॉकडाउन के दौरान जो है सदर बाजार इलाका था शायद, वहाँ पर एक बच्चा जो
बच्चा खेल खेल में एक कूलर में बंद हो जाता है और 3 घंटे 4 घंटे जो है उसके माँ बाप ढूंढते रहते हैं, और जब उस बच्चे को जो है कूलर से बरामद किया जाता है तो सभी हैरान थे कि आखिरकार इतनी ऊंचाई पे कूलर में गया तो गया कैसे और बेहोशी की हालत में माँ से बरामद हुआ। तो खेल खेल में यानी कि इन छोटे उम्र के बच्चे जो है, क्योंकि आजकल पढ़ाई नहीं है, स्कूल नहीं जाते हैं, ट्यूशन नहीं जाते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि हम बच्चों को अकेला छोड़ देते हैं। महज 2 से 3 साल का बच्चा या 4 से 5 साल का बच्चा या 7 साल का बच्चा, उसको अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। जिस तरह से आज एक हादसा पेश आया जहां पर एक 7 साल का बच्चा, हालांकि अमूमन उसके 2-3 छोटे और बहन भाई हैं, वो अमूमन इकट्ठे खेला करते थे, लेकिन आज वो दोपहर को सोया नहीं, वो अकेला छत पर जाकर खेलने चला गया और चुन्नी से जो है उसका गला जो है फंस गया। वो चीखा चिल्लाया होगा काफी, उसने हाथ पांव मारे होंगे, लेकिन उसको समय नहीं मिला, उसका सांस घुट गया, जिस कारण उसकी मौत हो जाती है। जयदीप नाम बताया जा रहा है, महज 7 साल उसकी उम्र है। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि बच्चों को अकेला ना छोड़िए। आज के समय में हमने देखा है कि माता पिता बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप बच्चों को अकेला छत पर छोड़कर या घर पर बंद करके चले जाओगे, क्योंकि बच्चों की उम्र 2 से 7 साल के बीच जो है काफी सेंसिटिव होती है। वो शरारती होते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो करंट से छेड़खानी करते हैं, वो बिजली इक्विपमेंट से छेड़खानी करते हैं, और इस तरह से चुन्नी अगर कोई लटकी हुई है उनको नहीं पता कि उनके गले में वह फंस जाएगी, जिस कारण उसकी मौत हो जाएगी। 7 साल के मासूम बच्चे की, जो करनाल का रहने वाला था, हरियाणा के करनाल का रहने वाला था, जाटो गेट के नजदीक का वह बच्चा था, मैं 7 साल पहली कक्षा में पढ़ता था, लेकिन स्कूल बंद थे, घर पर ही रहता था, और किस तरह से उस बच्चे की मौत हो जाती है, जिसका नाम जयदीप बताया जा रहा है। तमाम परिवार के लोग मौके पर पहुंचे हैं, बहुत ही दुखद समाचार है हरियाणा के करनाल के लिए। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि हर एक शख्स इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, देश भर में यह वीडियो जानी चाहिए, ताकि देश भर के अलग अलग कोने में मैसेज आए कि आप लोग चाहे जितने बड़े बन जाएं, जितने बिजी हो जाएं, लेकिन आपने बच्चों को अकेले नहीं छोड़ना है। अगर आप बच्चों को अकेला इस तरह से कहीं भी जाने देंगे, थोड़ी देर के लिए अगर छोड़ेंगे, तो इस तरह का हादसा हो जाएगा। अमूमन कई तरह के केस सामने आते हैं कि 2 साल का 3 साल का 4 साल का बच्चा, कोई लोहे की चीज निकल गया, कोई खिलौने का कोई पार्ट था छोटा सा, खेलते खेलते वो अंदर चला गया, सिक्का अंदर चला गया, जिस कारण ऑपरेशन तक करना पड़ जाता है, और आप जो है आनन फानन में हॉस्पिटल भागते हैं, आपको परेशानी होती है। लेकिन इस चीज का विशेष तौर पर आपको ध्यान देना चाहिए कि बच्चों को अकेला ना छोड़े। एक 7 साल के मासूम बच्चे ने खेल खेल में आज अपनी जान गंवा दी है। यह लेसन बहुत ही बड़ा है, इससे हमें सबक लेने की जरूरत है। हम तमाम पेरेंट्स तक हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि आप इस खबर को हर एक शख्स शेयर करें, ताकि हर एक पेरेंट्स जो एक लापरवाही करता है वो लापरवाही ना हो पाए, और इस तरह से बच्चे को अकेला ना छोड़े, ताकि इस तरह के जो हादसे होते हैं, इस तरह के हादसों को रोका जा सके। जैसा कि आज 7 साल के मासूम बच्चे की जयदीप की मौत हो जाती है। चुन्नी लटकी हुई थी, वो अमूमन चुन्नी से पकड़कर लटक जाता था, खेलता था, लेकिन वो चुन्नी उसके गले में आज फंस गई, जिस कारण जो है उसकी मौत हो गई। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना कि इस वीडियो को हर एक शख्स, हर एक व्यक्ति शेयर जरूर करे। जी, आखिरी वक्त में उसने शायद अपनी माँ को ही बुलाया होगा, क्योंकि हमेशा जब बच्चा मुसीबत में होता है तो शायद माँ को ही बुलाता है, क्योंकि माँ हर दुख को समझती है, हर दर्द को समझती है। और 7 साल का बच्चा जयदीप जो अब इस दुनिया में नहीं है, आप समझ सकते हैं परिवार वालों पर क्या बीत रही होगी, पिता पर क्या बीत रही होगी, माँ पर क्या बीत रही होगी, दादा दादी पर क्या बीत रही होगी, छोटे भाई बहन पर क्या बीत रही होगी। शायद छोटे भाई बहन को तो ये पता भी नहीं होगा कि अब जयदीप लौट कर नहीं आएगा, ये बात तो वही समझ सकते हैं जिनका बेटा गया है। हम बताएंगे, आपको जानकारी दे सकते हैं, खबर दे सकते हैं, लेकिन किनके दिल पर क्या बीत रही है वो तो माता पिता ही जानते हैं। आप लोगों से अपील है कि अपने बच्चों का ध्यान रखें, क्योंकि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, बच्चों का मन बड़ा चंचल होता है, नासमझ होते हैं। 1 साल से 10 साल के बच्चे तो बहुत नासमझ होते हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ खेलने का पता होता है, उन्हें ये नहीं पता होता कि इससे कितना बड़ा खतरा हो सकता है, चाहे वो बिजली की तारें हों, या फिर ऐसी चुन्नी हो, या ट्रंक के अंदर बन जाना हो, या गाड़ी के अंदर बन जाना हो, क्योंकि खेल खेल में क्या बड़ा हादसा हो जाता है ये ना बच्चों को पता चलता है, ना ही पेरेंट्स को पता चलता है। पता तब चलता है जब किसी हादसे का वो शिकार हो जाते हैं। जयदीप 7 साल उम्र, पहली कक्षा में पढ़ता था, तमाम सपने होंगे उसके पेरेंट्स के, तमाम सपने होंगे बड़े होकर जयदीप के, लेकिन ना जयदीप बचा है, ना अब उसके सपने बचे हैं, बची हैं तो महज जयदीप की यादें। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।